बैक टू माई चैनल, माई नेम इज श्रेया। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं इसकी एक फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो इसमें है कैरेटीन शैम्पू, जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। सो गाइज, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है। सो इस हमने इसको कर लिया है अनबॉक्सिंग। सो इसमें से हमें एक ये बॉटल है, इसकी जो पैकेजिंग है वो अमेजिंग है। अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। और अभी इसके साथ मिला है ये एक, जो कि है हेयर मास्क। सो गाइस, मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है। इसकी जो पैकेजिंग की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की होती है, और ये जो बॉटल है वो 50 ml की है, ठीक है। सो गाइस, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। मैं इसको अभी जो इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगी। इस शैम्पू का जो ब्रांड है वो है कैरेटीन प्रोफेशनल, ठीक है। इसका जो ब्रांड है वो कैरेटीन प्रोफेशनल है। ये रिपेयर शैम्पू है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, आपकी जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा ड्राई है, तो गाइज आपके लिए शैम्पू बेस्ट है, ठीक है। सो गाइज, अगर इसकी बात करें तो ये इन्होंने बताया हुआ है ये सल्फेट फ्री, सल्फ फ्री और पैराबिन फ्री है, 0%। गाइज, प्रो कैरेटीन हेयर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लग्जरी हेयर केयर है गाइज इस शैम्पू की। इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है गाइज। ये मेरी थर्ड बॉटल है और अभी मैंने इसको ऑर्डर किया है। जो मेरी अभी इससे पहले की बॉटल है वो सिर्फ इतना शैम्पू बचा और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। बट इसकी MRP की जो बात की जाए, वो MRP है 1175, जो इसकी MRP इसमें दी हुई है। और इसके साथ ये मास्क जो है वो इसके साथ मुझे कॉम्बो में मिला है। सो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है मुझे, मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड इसकी भी जो क्वान्टिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ, 50 ml है, ठीक है। सो गाइज, ये मार्क्स भी अमेजिंग है, ठीक है। इन दोनों की तारीफ जितनी करो उतना कम है गाइज। जब मैंने अपने बालों में जहाँ से कैरेटीन कराया था तो उन्होंने मुझे ये शैम्पू बताया था। सो गाइज, ये शैम्पू अमेजिंग है। आप किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हो तो गाइज ये अमेजिंग शैम्पू है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो इन्होंने बताया वर्क इन टू वेट हेयर 3-4 months, तो मतलब आपका खत्म ही नहीं होना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करो। वैसे भी आपको वीक में सिर्फ 2 times हेयर वॉश करने होते हैं। सो गाइस, ये काफी अच्छा मतलब वर्क करता है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। और क्वालिटी की तो बात करें तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है। और इसको कैसे यूज करना मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक मग लेना है, इसमें वाटर लेना है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेना। जब आपकी ना लेदर बनने लग जाए, देन इसको जेंटली मसाज करना अपने हेयर पे, देन उसके बाद आपको वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपको ये जो हेयर मास्क है वो आपको लगाना है अराउंड 1 minute, देन उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। गाइस, अगर आप सीरम लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। बट इससे जो आपके हेयर है ना बेस्ट होता है। तो गाइज, अगर आप ये शैम्पू लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। सो गाइज, ये मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट से मैंने इसको मंगाया है। सो मुझे इसका डिस्काउंट, जिसकी MRP है वो मैंने इसको मंगाई है और 1299 में। सो गाइज, अच्छा है। MRP की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, बट हमें आफ्टर डिस्काउंट बहुत अच्छा मिला है। सो और इसकी पॉजिटिव बात करें तो गाइज, अमेजिंग है इस शैम्पू की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बट इसका अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे कि मेरे जो है, जो मेरी स्कैल्प है वो ड्राई है, तो मेरे लिए तो बेस्ट शैम्पू है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप इस शैम्पू को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं शैम्पू को खुद ट्राई करती हूँ, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच।